दोस्तों आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ आप टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की ऑनलाइन टेस्ट वीडियो साथ ही साथ रीजनिंग मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार आप लाइक बहुत ही कम करते हैं तो आप टेस्ट को लाइक किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जीवन पर आधारित पुस्तक बहन जी द राइज एंड फॉल ऑफ मायावती के लेखक हैं, तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल सही अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2, गुड फ्राइडे निम्न में से किस समुदाय का त्यौहार है सॉरी तो यहाँ पे बिल्कुल सही है अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो बिल्कुल सही है अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, आशा करता हूं कि आपने आंसर कर दिया होगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इनको मिलाइए, तो देखिए पांचवें में आपको इनको मिलाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ए बी सी डी में से बताइए कौन सा रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने मिला लिया होगा, पांचवें का भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मतलब कि पहले का आपका होगा दूसरा, ठीक है, और बी का होगा आपका पहला, और सी का होगा आपका चौथा, और डी का होगा आपका पांचवा। तो इस तरीके से इनका मिलान होना था, आशा करता हूँ कि आपने यही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे छठे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक गैस निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का सा व्यवहार करती है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो देखिए 8वें का भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में पूछा जा रहा है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो 10वें का देखिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस चेक वह होता है जिससे
बुनाया जा सकता है केवल। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो यहाँ पे 12वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन तो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? ठीक है, 16 अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जी बिल्कुल सही, यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत अच्छे, अगर आप 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का 17वां अनुच्छेद? तो यहाँ पे देखिए, जो 17वां अनुच्छेद है वो 18वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 है आपका, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है? दोस्तों 20वें का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पहले भी। तो यहाँ पे देखिए, जो 21 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड को 99% दृश्य बनाता है। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, और 21 का भी सी था। 23, निम्न में से कौन महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन अधिकार संबंधित नियम लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बताइए जल्दी से। तो 23 का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ट्वेंटी फोर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई। 25, 1 मील प्रति मिनट चाल का अर्थ है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो 26 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 27, कार्तिक एक लोक नृत्य है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 28, वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 30 का भी राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। दोस्तों आज के थे ये टॉप 30 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये आपकी है पीडीएफ और इसे आप यहाँ से